हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन माय चैनल। अभी तक हमारा जितना भी डिस्कशन था वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में था। जो हमारा लास्ट वीडियो था डायलिसिस पे, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स। आज का ये लेक्चर हम लोग नर्वस सिस्टम की स्टार्टिंग करेंगे और इसमें हम लोग सिर्फ बेसिक्स पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में जस्ट मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो ये आपको दूंगी। इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी इसमें फंक्शंस क्या है नर्वस सिस्टम के, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके, क्या पार्ट्स होते हैं नर्वस सिस्टम के, पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पे, जिसमें आप देखेंगे जो नर्व सेल होता है उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के क्या जनरल फीचर्स हैं, जनरल फीचर्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर के बारे में, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ह्यूमन ब्रेन को कवर करेगा, एक सेपरेट वीडियो होगा जिसमें हम लोग ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का स्टडी प्लान होगा। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नर्वस सिस्टम का, स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग सेपरेट वीडियो में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और नेक्स्ट होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और एक सेपरेट वीडियो होगा स्टूडेंट्स हमारा रिफ्लेक्स आर्क के बारे में, या फिर हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोल सकते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन में ही मैं आपको बता दूंगी रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, नेचुरल और कंडीशन रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं। तो इतना कुछ लगभग 8 या 9 वीडियोस में आपको नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर मैं दे पाऊंगी। और इसके बाद हमारा एनिमल फिजियोलॉजी का कुछ ही पार्ट स्टूडेंट्स रह जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने काफी पार्ट तो 10th सिलेबस का कवर कर लिया है। जैसे कि मैंने पूरी प्लांट फिजियोलॉजी आपको बताई, बेसिक बायोलॉजी हम लोग पढ़ चुके थे, सेल साइकिल सेल डिविजन वाला पार्ट, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी पढ़ चुके हैं, जेनेटिक्स को मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया। तो जो एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के पार्ट में नर्वस सिस्टम के पास हमारे पास 2 सिस्टम बचेंगे, जिसमें हम लोग सेंस ऑर्गन को पढ़ेंगे और एंडोक्राइन सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 2 चैप्टर्स और डिटेल में बचे होंगे और बाकी फिर इवोल्यूशन और पॉल्यूशन और पॉपुलेशन को मैं थोड़ा शॉर्ट में ब्रीफ करके आपको डाल दूंगी कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ नर्वस सिस्टम की। अगर हम बात करें तो मैं आपको बस इतना बता दूं इस वीडियो में कि नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है और नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है अभी। अगर स्टूडेंट्स नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो नर्वस सिस्टम जो है हमारा ब्रेन का जितना भी कंट्रोलिंग है वो नर्वस सिस्टम के अंडर में आएगी। और नर्वस सिस्टम जो है एक्ट करता है टू वे कम्युनिकेटिंग सिस्टम। आप नर्वस सिस्टम को कह सकते हैं इट इज अ टू वे कम्युनिकेटिंग सिस्टम। नर्वस सिस्टम एक टू वे कम्युनिकेटिंग सिस्टम है, इट इज अ टू वे कम्युनिकेटिंग सिस्टम, टू वे कम्युनिकेटिंग सिस्टम। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ये जो इम्पल्सेस है कैरीड होके जाएंगी टिश्यूज से ऑर्गन में to the nerve center, from the nerve center, and the messages are carried to the desired tissue. आप इसका थोड़ा सा समझेंगे, जैसे suppose ये कोई tissue है, ठीक है? ये tissue है, और यहाँ से impulse को जाना है, कहाँ जाना है? Nerve center पे जाना है. Suppose ये nerve center है, this is nerve center, ये tissues हैं, और ये क्या है students? Suppose ये organ है, आपको पता है group of organ will form tissue, तो यहाँ से impulses जाएंगे, यहां से इम्पल्सिस जाएंगे हमारे नर्व सेंटर पे, और नर्व सेंटर से मैसेज जाएगा टू द डिजायर टिश्यू। जो भी हमारे डिजायर टिश्यू है वहां पे, डिजायर टिश्यू और जो ऑर्गेन है, डिजायर टिश्यू एंड ऑर्गेन में वो मैसेज को भेजा जाएगा। दिस रिसीव्स द चेंजेस इन द एक्सटर्नल। आपको मैं बता दूं यहाँ पे 2 चीजें होंगी,
रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स। रिसेप्टर वो सेल्स होंगे जो रिसीव करेंगे और इफेक्टर्स वो होंगे जो इफेक्ट लाएंगे। आप फिर से समझे कि हमारे पास नर्वस सिस्टम का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग दो चीजों को बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। एक तो मैंने आपको बताया रिसेप्टर और इफेक्टर। अगर रिसेप्टर की बात करें तो जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको जो रिसीव कर रहा है वो रिसेप्टर हुआ, और इंटरप्रेट करने के बाद, एनालाइज करने के बाद वो एप्रोप्रिएट मैसेज भेजेगा, तो जो मैसेज आएगा वो इफेक्टर के द्वारा आएगा। कुछ हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है जैसे आईज हैं, ईयर्स हैं, टंग है, नोज है, स्किन है, ये क्या करते हैं स्टिमुलस को एनवायरनमेंट से रिसीव करते हैं, और क्या करते हैं ये इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं मैसेज को वेरियस बॉडी पार्ट्स में, और कभी कभी क्या होता है ये स्टिमुलेट और इनिबिट करते हैं बहुत सारी मसल्स और ग्लैंड्स को अकॉर्डिंग टू काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, कैसी इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है। तो दो रोल हो जाएगा यहाँ पे, एक स्टिमुलेटरी रोल हो जाएगा, स्टिमुलेटरी मतलब वो स्पीड अप कर रहे हैं, स्टिमुलेटरी रोल रेट ऑफ रिएक्शन को स्टिमुलेट कर रहे, और दूसरा हो जाएगा इनहिबिटरी रोल। इनहिबिटरी रोल में इसका मतलब वो रेट ऑफ रिएक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये रिसीव करेगा और एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करेगा बहुत सारे विसरल ऑर्गन्स में, और बाय कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट एक्टिविटीज इट हैव टू मेंटेन स्टेडी स्टेट ऑफ द, इस तरीके से ये हमारी बॉडी की स्टेडी स्टेट को मेंटेन करेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा स्टूडेंट्स वो ये, तो जस्ट मैंने आपको बेसिक्स बताया, नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन बताया। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में होगा, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन या नर्व सेल के बारे में डिटेल में देखेंगे इसका क्या फंक्शन होता है, और फिर वन बाय वन मैंने जैसा कि आपको बताया 8-9 वीडियो में मैं इस चैप्टर को कवर करूंगी। तो अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल से अपडेटेड रहें, स्टे ट्यून टू माय चैनल, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब राइट नाउ प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज मोर एज पॉसिबल स्टूडेंट्स। थैंक यू वंस अगेन स्टूडेंट्स, आई होप वी विल मीट सून।